यूट्यूब में डाल दूंगा। आज हम लोगों के साथ में कश्मीर के एक किसान हैं जिन्होंने कि सोयाबीन को अपनाया है और वो पिछले 3 सालों से सोयाबीन को लगा रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? जी सर, मेरा नाम अब्दुल हमीद लोन है। मैं तो कश्मीर नासिराबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 3 साल से मैंने इसकी बुवाई की और इससे मुझे ख़ास ये फ़ायदा हुआ कि मेरी ज़मीन जो है वो फर्टाइल बन गई, कि इतनी नरम बन गई कि हम हाथ से भी इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। और इसकी जो फायदे हुए, इसके जड़ों में वो नोडल्स होते हैं, उन्हीं से मेरे खेत में जनरेट हुआ ये नाइट्रोजन। और इससे मेरे जो ये सेब के दरख्त लगाए हुए हैं ये भी इंशाल्लाह रहमान बहुत अच्छे हो जाएंगे, इससे काफ़ी तनावर होंगे। तो इसमें आप इसके बाद क्या लगाएंगे रबी क्रॉप में? मेरा ख्याल है इस टुकड़े में मैं इस साल लगाना चाहता हूँ गार्लिक, देख लूँगा कि इसमें कितना फ़ायदा आएगा। हाँ, गार्लिक अच्छा चलेगा क्योंकि मैं इसलिए ये करता हूँ ताकि मेरे जो इर्द गिर्द के हमसाए हैं वो भी इंस्पायर हो जाए, ताकि वो भी इसी तरह काश्त करें। वो जो यंग यूथ्स हैं वो तो बेरोजगार बेकार पड़े हुए हैं, ताकि उनके लिए भी मैं एक राहबर बन जाऊँ इस अपनी बस्ती में। अगर ये सोयाबीन का जो पीरियड है छोटा कर दें तो कुछ फ़ायदा होगा आपको? हाँ, फायदा तो होगा। क्या लगाएंगे उसमें? फिर अगर हम अर्लियर कोई फसल लगाएंगे तो उसमें तो हमारा वक्त भी बच जाएगा और वो पैदावार जो है वो भी काफ़ी तनावर होगा, वो भी मजबूत होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने सेब के बाग में सोयाबीन को लगाया है, तो इस तरह के क्या बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें सेब के इतने छोटे छोटे पेड़ होते हैं और बाकी ज़मीन खाली रहती है जहाँ पे सोयाबीन को लगाया जा सकता है? हाँ, लगाया जा सकता है जी। तो ये कितने टाइम तक आप इसमें सोयाबीन लगाएंगे? जैसे ये आपने बस तीन साल तक जब तक पेड़ बड़े हो जाएंगे तब तक। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये अपने भारतवर्ष में पहली वैरायटी जो कि कश्मीर के लिए है, स्पेसिफिकली कश्मीर के लिए है, वो लगी हुई है। इसका नाम शालीमार सोयाबीन है और ये हमारे यहाँ के ड्राईलैंड, उसका पूरा नाम बताना अपने। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। हाँ, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन से इजरा की हुई वैरायटी है, हमारे जो कश्मीर के जो हमारे काश्तकार